मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के 125 छात्र छात्राओं ने प्रवीण सूची में जगह बनाई है। इनमें कक्षा 10वीं के 90 और कक्षा 12वीं के 35 छात्र शामिल हैं। इन सभी को हेलीकॉप्टर से सैर कराई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करने 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से अन्य मेधावी विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर से आनंदमयी यात्रा कराने का निर्णय लिया गया है। हेलीकॉप्टर में 7 सीटें होने के कारण एक बार में 7 विद्यार्थी ही सैर कर पाएंगे। मेधावी 125 विद्यार्थियों को सैर कराने के लिए हेलीकॉप्टर 18 बार उड़ान भरेगा। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मेधावी विद्यार्थियों के अभिभावकों से हस्ताक्षर युक्त सहमति पत्र मांगा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर बीके गोयल ने बताया कि अब तक 119 विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति प्राप्त हो चुका है। इन सभी विद्यार्थियों ने हेलीकॉप्टर से सैर करने की इच्छा जाहिर की है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के 125 छात्र छात्राओं ने सूची में जगह बनाई है। इनमें कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल मिलाकर 125 छात्र हैं। सभी को हेलीकॉप्टर से सैर कराई जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई पहल है, जो बच्चे अच्छे नंबर लाके पास हुए हैं इनको हेलीकॉप्टर से सैर कराई जाएगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए संदीप, निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं, जो मेधावी जो छात्र हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की मुहिम जारी की गई है और इस मुहिम का नाम ही दिया गया है स्वामी आत्मानंद प्रोत्साहन मेधावी छात्र योजना के तौर पे। और निश्चित तौर पे ये योजना जो है कारगर साबित हो रही है। आज सुबह से ही 125 जो बच्चे हैं वो रायपुर राजधानी पहुंचे हुए थे और हेलीकॉप्टर की जो सैर है वो किए। निश्चित तौर पे बच्चे तो उत्साहित ही थे, लेकिन इसके अलावा जो अभिभावक थे वो काफी खुश नजर आ रहे थे। खुशी का नजरिया ऐसा था कि जैसे ही दुरांचल से, खासतौर से आदिवासी बेल्ट से आए हुए ऐसे छात्रों के जो अभिभावक हैं, उनसे जैसे ही एनबी न्यूज बात किया तो उनके आंसू तक झलक उठे कि हमारे जो बच्चे हैं लाइव देखने को तरसते हैं, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के जो पहल है उसके तहत उनको हेलीकॉप्टर की जो सैर है वो मिल पाया है। तो निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं वो तो उत्साहित हैं ही, जो 10वीं में टॉप किया है और निश्चित तौर पे 12वीं में भी टॉप करने के लिए उत्साहित रहेंगे। इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आती है, जो बच्चे जो पढ़ाई के लिए अपनी कमजोरी साबित हो रहे थे इस योजना के तहत में, अब सीधा सीधा उनकी जो पढ़ाई का रुख है वो ज्यादा असरकारक दिखेगा। इसके अलावा आज जैसे ही हेलीकॉप्टर में चढ़े जो बच्चे हैं उनसे भी बात करते नजर आए, तो आज की जो कार्यशैली है उसमें वो कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री और हमर काका सबसे बेहतर ये बोलते भी नजर आए। लेकिन इसके अलावा आज की जो क्रियाकलाप है इसके साथ साथ जो आने वाले और कल है, कल की अगर बात की जाए 9 तारीख को, तो उनको प्रशस्ति पत्र के साथ साथ में कुछ सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो इससे जो बच्चे हैं और जो छात्र हैं उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जी अखिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने, जो बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये पहल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की जा रही है इसको लेकर विद्यार्थियों में तो जो सही है, लेकिन जो और पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें भी एक मैसेज जाएगा, वो भी अच्छी मेहनत करेंगे। बिल्कुल, जो जो बच्चे हैं खासतौर से जो 8वीं 9वीं 10वीं के जो छात्र हैं और खासतौर से 11वीं 12वीं के, वो अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं कि हमको कब हेलीकॉप्टर चढ़ने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं आज जैसे ही कॉन्फ्रेंस लिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, तो उनका कहना था कि जो भी मेधावी छात्र है, जो छात्र ऐसे छात्र जिनकी जो प्रतिशत सबसे ज्यादा रहेगी, उन छात्रों को घुमाया जाएगा और हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ में भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी जो उत्साह देखने को मिल रहा बढ़ रहा था, इसके साथ साथ जो अभिभावक थे वो काफी खुश नजर भी आ रहे थे, जिसकी वजह से ही जो और अन्य बच्चे हैं उनके आसपास के पड़ोस के जो बच्चे हैं या ग्रामीण अंचल के बच्चों की बात की जाए, वो अब तैयारी में जुटते नजर आएंगे। जी अखिलेश, इसमें एक और बात कही जा रही थी कि जो अभिभावक हैं उनसे सहमति पत्र भी लिया जाएगा, तो क्या कुछ बच्चों के जो अभिभावक थे उन्होंने मना किया था ऐसा करने से, जो सहमति पत्र लेना पड़ेगा उनको? बिल्कुल, कई ऐसे जो पालक थे जो जिनके द्वारा मना कर दिया गया था कि
और हो सकता है दूरांचल और ग्रामीण क्षेत्र के जो पालक हैं उनको अभी भी भय बना रहता है कि अगर हेलीकॉप्टर की सैर करते हैं तो उनकी जो मंशा रहती है कि भय की स्थिति उत्पन्न होती है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा साफ इनकार कर दिया गया था कि हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, लेकिन बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समझाइश दी गई और उसके बाद ही जो बच्चे हैं वो शामिल हो पाया और लगभग 119 जो बच्चे हैं वो जी शामिल हुए और 18 बार राउंड अप किए, उसके बाद ही बच्चों का सफल हो पाया कि वो घूम पाए। और निश्चित तौर पे आगे आने वाले कल में अभिभावक भी संतुष्ट नजर आए और कई ऐसे अभिभावक हैं जो काफी देर में पहुंचे, उनको भी तवज्जो दी गई और बाकायदा उनके बच्चे को हेलीकॉप्टर की सैर कराई गई थी। जी जिन बच्चों के खिले सूची में नाम शामिल हैं हेलीकॉप्टर की सैर करने के लिए, क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? वो कितना खुश हैं? क्या रिएक्शन था उनका? बिल्कुल, एएनबी न्यूज लगातार उन लोगों से चर्चा करती रही है और चर्चा के दौरान उन लोगों उनके द्वारा एक ही शब्द बोला गया है कि इस तरीके से जो बच्चे हैं उनको उनके द्वारा ये भी कही गई कि अभी तो 10वीं पढ़ाई किए हुए हैं, आगे चल के 12वीं में भी टॉप करने की इच्छा है ताकि एक बार पुनः सैर कर सके। इसके अलावा रायपुर घूमने की इच्छा जाहिर की थी और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की जो सैर है वो काफी ज्यादा उत्साहजनक रहा और अभिभावक भी उनके द्वारा जो आए हुए थे वो भी चाह रहे थे कि हमको भी सैर कराया जाए, लेकिन ये कड़ी नहीं जोड़ पाई जिसके वजह से अभिभावक नाराज रहे। लेकिन जो बच्चे हैं वो काफी उत्साह नजर आए और 10वीं के जो बच्चे हैं वो खासा उत्साह रहे कि अगली बार अगर 12वीं में भी अगर जी ऐसी जी स्थिति रहती है तो निश्चित तौर पर टॉप करने की स्थिति बनी रहेगी। जी अखिलेश, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि एक अच्छा एसएमएस आएगा बच्चों के बीच कि जिस प्रकार से जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होंगे उनको हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी, तो बच्चे और ज्यादा मेहनत करेंगे। एक अच्छी मुहिम है। तो बिल्कुल, ये सबसे प्रभावशाली मुहिम है और बच्चों के लिए खास तौर से ये जो मुहिम है वो पूरे हिंदुस्तान में अभी सबसे बड़ी सुर्खियों में बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे भी जो मुख्यमंत्री हैं जिसके वजह से जो बच्चे हैं वो उत्साह नजर आ रहे हैं और घूमने की जो ललक बनी रहती है वो जी खासा देखने को भी मिल रहा है। भाजपा वाले भी इसपे कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसपे तारीफ करते हैं तो भाजपा वाले जी भी इस जी विषय की तारीफ की है, तो निश्चित तौर पे ये सफल भी माना जा रहा है। अगर विपक्ष के द्वारा ही इस तरीके से अगर प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये एक कड़ी में बहुत बड़ी सफलता हासिल की जाने वाली बात है। जी अखिलेश, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो बच्चे हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के हैं या किसी और राज्य के भी बच्चे इसमें शामिल हैं? क्योंकि दूर दराज से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग राज्य के भी बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं खास तौर से जी सरकारी जो स्कूल के बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं, जी जी ये यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हुए जो बच्चे हैं और जिनकी जो प्रतिशत सबसे अधिक रहा है उनको ही इस मौके में दिया गया है और जो दूसरे राज्य के जो छात्र की अगर बात की जाए तो उनका यहाँ कोई स्थान भी नहीं दिया गया है। मात्र छत्तीसगढ़ के ऐसे छात्र थे जो प्रवीण सूची में आए थे उनको ही ये जी मौका दिया गया है और मौका इस तरीके से दिया गया है कि जो प्रवीण सूची के साथ साथ जिनकी प्रतिशत संख्या ज्यादा रही है और उनके अभिभावकों की जो सहमति पत्र जारी किया गया था जी उसके साथ ही उन लोगों को मौका दिया गया था और आने वाले कल में इस तरीके से अगर और भी रहे और जो छात्र उत्साहित रहते हैं उनको भी मौका देने की जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिल्कुल द्वारा अखिलेश, की जा आपने रही है और सही कहा शिक्षा कि मंत्री जो ये भूपेश मैसेज द्वारा। जाएगा छात्रों के बीच उससे और उत्साहित होगी और ज्यादा मेहनत करेंगे। धन्यवाद अखिलेश जानकारी देने के लिए।